to my YouTube channel, Browser It. And if you are new on this channel, then please subscribe to it. And let's get continue with the hacker rank solution for 10 days of JavaScript. That is day 1, let and const. So, आगे बढ़ने से पहले, we actually need to understand what's the difference between let, const and var. So, ये तीनों actually एक तरीका है when we want to declare a variable. So, इसके tutorial section में you can read the article related to var, let and const. So, var is a keyword to declare variables. In fact, let and const भी use होता है to declare variables. But ये तीनों का जो scope है, ये तीनों का scope differ करता है. So I won't be going much into it, but overall to get an idea of it, you can go in the topic section and read about it. So var is there, let is there, and const is there. So as the task suggests ki let and const se related hai, so we will be using let and const only in our text editor and not var. So, टास्क तो टास्क हमने क्या दिया है डिक्लेयर अ कॉन्स्टेंट वेरिएबल पाई एंड असाइन इट विद द वैल्यू मैथ डॉट पाई सो देर आर सो इसमें हमें बेसिकली एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है कॉन्स्ट एज अ कॉन्स्ट पाई सो अगर हम ये नहीं करते हैं सो द टेस्ट केस वोट बी पास्ड सो द सेकेंड लाइन सेज दैट द रीड अ नंबर आर डिनोटिंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम एसटीडीआईएन स्टैंडर्ड इनपुट एंड यूज pi and r to calculate the area and perimeter of a circle using radius r. तो ये सब compulsory variables है जो हमें use करना है और अगर हम use नहीं करते so the test case won't be passed. And the last but not the least says that the print area as the first line of output and print perimeter as the second line of output. तो ये order भी हमें दिया है कि पहले line में क्या आना चाहिए दूसरे line में क्या आना चाहिए So the standard input that is provided is 2.6. अभी 2.6 क्या है ये r का value है अब हमें पाई का तो वैल्यू पता ही है 3.14 जो कांस्टेंट है सो व्हाट वी नीड टू डू इज लेट्स सी द सॉल्यूशन तो इसमें हमारे लिए फंक्शन मेन ऑलरेडी डिक्लेयर किया है एंड इस ग्रीन लाइन में हमें लिख के दिया है कि राइट योर कोड हियर रीड इनपुट यूजिंग रीड लाइन ओके हमें ये फंक्शन दिया गया है कि इसी फंक्शन से हमें ना वैल्यू को रीड करना है एंड जो प्रिंट करना रहेगा आउटपुट वो हमें कंसोल डॉट लॉग से ही प्रिंट करना है सो देर इज़ नो नीड टू यूज सम रिटर्न और समथिंग एल्स बट अब हाँ ऑल्सो हमें दिया था कि लेट एंड कॉन्स्ट का चैलेंज है तो वही यूज करके हम डिक्लेयर करते हैं सो लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट इज एन मैंने डिक्लेयर किया है क्यों क्योंकि हमें एक इनपुट हमारा जो इनपुट है वो रीड करके हमें एक वेरिएबल को पास करना अब ये वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया कॉन्स्ट यूज करके सो कॉन्स्ट एन इक्वल टू रीड लाइन अब वैल्यू हमारे पास आ गया है वैल्यू क्या दिया हमें 2.6 अब ये हमारा एक्चुअली रेडियस है मैंने एन लिया है लेकिन हम आर भी यूज कर सकते हैं कॉन्स्ट आर भी यूज कर सकते हैं बिकॉज ये हमारा रेडियस है अब हमारा प्रिंट करना है एरिया ऑफ द सर्कल एंड पैरामीटर ऑफ द सर्कल अब ये बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए क्योंकि हमें पहले दिया था पहले एरिया करना है प्रिंट फिर पैरामीटर करना है तो आप बस उसका फॉर्मूला लगा दो कंसोल डॉट लॉग के अंदर ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लगाओ मैथ डॉट पाई इज अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट विच प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ पाई दैट इज 3.14 अब हमें पता है एरिया कैसे फाइंड करता है पाई इंटू एन स्क्वायर तो एन स्क्वायर कैसे लिखेंगे एन इंटू एन कर देंगे एन का पैरामीटर के लिए 2 इंटू पाई इंटू एन बस यही हमारा चैलेंज था एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल सो लेट्स सी इफ यू कैन रन द कोड सी वी हैव पास्ड इट पास्ड द टेस्ट केस ऑन सबमिटिंग द कोड एंड वी हैव प्रोवाइडेड द एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑल्सो So this was pretty much simple a challenge actually and I hope you enjoyed it and understood that how to solve the code and you have any doubts then you can ask me in the comment section and then till then see you in the next video till then take care bye bye